हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की साड़ी ली हुई है। और देखिए, इसको मैंने लंबाई में कट कर रखा है। इसकी चौड़ाई करीब 2 इंच है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे देखेंगे तो करीब 2 इंच इसकी चौड़ाई होगी। और देखिए, इसको आप पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं, या बेडशीट हो तो उससे भी बना सकते हैं। और देखिए, ये डोरमेट उन लोगों के लिए भी है जो लोग बिल्कुल सिलाई से बुनना नहीं जानते, तो वो भी इजीली इसको बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं रेड कलर की एक पट्टी लूंगी, ये देखिए, जिसके एक कॉर्नर पे हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे। और देखिए, यहाँ से दूसरा कॉर्नर ऐसे करके फोल्ड करके, और देखिए ऐसे फिंगर पे लपेटेंगे, 1 2 3 4, ये देखिए 4 राउंड लिए हैं मैंने, आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए, इसके अंदर से ये देखिए वापस इसी होल में से पिन को ऐसे यहाँ पे एक ये नॉट बना के ऐसे ये देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए 10। इसमें मैंने 10 नॉट बनाई हैं। एक फ्लावर ये बनके ऐसे कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जो फर्स्ट वाले में से ऐसे इसको हम एक बार ये देखिए यहाँ पे निकाल देंगे, तो एक फ्लावर से ये बनके कंप्लीट हो गया। अब देखिए, यहाँ से ये देखिए, इस कपड़े की पट्टी को मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब देखिए, इस वाले को हम ऐसे रख के सिल लेंगे। ये देखिए, इसके अंदर यहाँ से पास से ही इसको सिलना है, ताकि ये वाला रेड वाला कपड़ा दिखे नहीं आगे। इसको यहाँ पे पक्का करके इस धागे को कट कर देंगे। देखिए, आप देखिए, अगली रिंग मैं यहीं से बनाऊंगी, तो मैं इस कॉर्नर पे इसमें पिन लगा लूंगी ऐसे। ये देखिए, ये देखिए ऐसे 1 2 3 4, अब यहीं से ऐसे इसके पास से ही बनाना है ऐसे। ये देखिए 1 2 और देखिए, अब इसको हम निकाल लेंगे फिंगर को। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और देखिए ये 10। 10 नॉट में ये रिंग पूरी हो जाती है।
ये देखिए, अब यहाँ पे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइंट करूँ इस तरीके से। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे दूसरा रिंग, ये देखिए एक दो 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 नॉट करीब छोड़ के तीसरी में हम यहाँ से ऐसे इसको अंदर के साइड से ऐसे देखिए ये यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से रिंग ऐसे एक दो तीन चार ऐसे इसके अंदर से ऐसे। ये देखिए यहाँ पे हम ये 10 नॉट लगा लेते हैं, ये रिंग ऐसे बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से मैंने रिंग कंप्लीट कर लिया। आप देखिए जहां से मैंने बनाया था वहीं पे ऐसे इसको ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसको हम यहाँ से यहाँ पे लाएंगे, तो देखिए इधर के एक दो और यहाँ पे एक ही नॉट छोड़ेंगे, ये देखिए ये वाली दूसरी नॉट में ऐसे यहाँ से और इसमें यहाँ पे ऐसे इसको हमने ऐसे ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए आप देखिए यहाँ पे एक दो तीसरी में इधर बनाएंगे रिंग ऐसे। आप देखिए जितने इसमें राउंड में बनेंगे वो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ जब ये राउंड पूरा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ये 6 फूल बना लिए हैं। आप देखिए ये वाला जो है यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, अब यहाँ से इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक बना के लाए हैं हम, यहाँ से इसको ऐसे पिन निकाल लेंगे और यहाँ से इसको इस वाले में ज्वाइंट एक बार और कर देंगे इसको ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए अब इसी कपड़े में हम यहाँ से दूसरा कपड़ा ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने रेड कलर लगा लिया। अब देखिए यहीं से रिंग बनाएंगे, एक दो तीन और चार, चार बनाने के बाद देखिए इसको फिंगर को निकाल लेंगे और इसको ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे। ये देखिए यहां से पास में इस नॉट को कर लेते हैं, इसके बाद हम पूरे रिंग को ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए यहाँ तक बना लिया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे दोबारा वापस अटैच कर देंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए तो एक रिंग ये यहाँ पे हो जाएगा, एक इसके ऊपर बनाएंगे, पहले हम यहाँ पे ले जाएंगे। ये देखिए ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ले आए। अब हम यहाँ पे ऐसे रिंग बना लेंगे, फिर हम दिखाते हैं किस तरह से जोड़ना है। ये देखिए यहाँ से अब हम ये रिंग बनाने के बाद यहीं वापस इसको निकालेंगे एक बार जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ऐसे। ये देखिए इस तरह से आप देखिए इस वाले के सेंटर पे यहाँ पे इसको हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए वापस इसी में, ये देखिए
आप देखिए हम यहाँ पे फिर से रिंग बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे पहले निकालेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर दिया ये, अब थोड़ा सा आगे इसको यहाँ पे ऐसे निकाल लिया इस तरह से। आप देखिए यहाँ पे ऐसे रिंग बना लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए रिंग बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पे इसको वापस एक बार और ज्वाइंट करेंगे। देखिए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था इसको हर एक में करना है, तभी ये मजबूत रहेगा। ये देखिए आप देखिए इसको और इसको यहाँ पे जिस तरह से मैंने ये बना के यहाँ से स्टार्टिंग की थी उसी तरीके से। देखिए ये सेंटर का है जो इसमें से ऐसे यहाँ से निकालेंगे और इसमें से ऐसे। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया, अब मैं यहाँ पे निकालूंगी। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तो यहीं से अब मैं ऐसे फिर से रिंग बनाऊंगी। और देखिए अब मैं इसको इसी तरीके से इसको कंप्लीट करूंगी। एक रिंग यहाँ पे बनाना है, एक इसके ऊपर, फिर एक यहाँ पे, अब एक इसके ऊपर बनेगा, फिर यहाँ पे, फिर इसके ऊपर, ऐसे बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे हम, फिर दिखाते हैं। ये देखिए मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। और देखिए पहले हमने ये 6 बनाए हैं। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बनाए हैं। अब देखिए इसको हम कैसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर दिया, अब यहाँ पे पिन को निकाल लेंगे ऐसे। और देखिए इस वाले में ऐसे इसको पिन अप कर देंगे, ऐसे करके एक बार निकाल दिया, एक बार और निकाल देंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पे ज्वाइंट हो जाए। अब देखिए यहाँ से हम फिर से कलर चेंज करेंगे, तो हम ये वाला कलर लगाएंगे, इस कपड़े की पट्टी को थोड़ा सा हम कट करेंगे। यहीं से ऐसे रख के इसको सिल लिया, इस धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए कपड़े की पट्टी मैंने जोड़ ली है। अब देखिए पिछले राउंड में मैंने यहाँ से इस जगह से देखिए ये वाला स्टार्ट किया था। अब देखिए मैं इसके सेंटर पे यहाँ से नहीं करूँगी, इसके सेंटर पे ले जाऊँगी ऐसे। इसको निकालेंगे यहाँ पे पहले कपड़े की पट्टी को। ये देखिए यहाँ से निकाल लिया, अब यहाँ से रिंग बनाएंगे 1, 2, 3, 4 इसको निकाल देंगे ऐसे इसके अंदर से ऐसे करते हुए। वापस दो तीन, ये देखिए इसमें हम 10 बना लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने फ्लावर्स बना लिया। अब देखिए यहाँ पे ऐसे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं पे ऐसे निकाल देंगे इसको। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे ना बना के मैं यहाँ पे बनाऊंगी, इसको निकालूंगी ऐसे वापस इसको यहाँ पे। ये देखिए ऐसे यहाँ से पहले रिंग बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे ये वाला रिंग बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको कि कैसे जोड़ना है इसको फिर आगे। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। आप देखिए जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे इसको एक बार और ऐसे निकाल देंगे इसको। ये देखिए तो यहाँ पे ये मजबूत हो जाएगा। आप देखिए मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगी, इसके सेंटर पे ऐसे ये बना दिया। और देखिए ऐसे यहाँ पे ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे जाएंगे ऐसे और यहाँ पे। ये देखिए अब इसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट करूँगी, पूरा राउंड बना के सिंगल सिंगल, उसके बाद डबल बनाऊंगी जिस तरह से मैंने ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इस तरह से बनाए हैं। अभी मैं सिर्फ एक सेंटर पे इसके बनाऊंगी सभी के,
तो यहाँ पे ये बन के कम्प्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला राउंड बनेगा उसमें हम ऐसे डबल बनाएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे तो सिंगल बनाएंगे। तो इसी तरीके से आपको जितना बड़ा चाहिए वो आप बना सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ।